morning class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, which is square and square root. First, I will tell you about some basic thing in this chapter. Like, first one is prime factorization. As we all know that prime factorization is divided into two parts. One is prime and the another one is factorization. Okay, so here, what is prime? हम सब जानते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं. अ नंबर विच कैन डिवाइड बाई इट सेल्फ और वन. ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो पाए या फिर वन से. जैसे फर्स्ट विल सी द नंबर टू. टू कैन बी डिवाइडेड बाई वन, यानी कि टू वन से टू ओनली इज द फैक्टर ऑफ इट ओनली. नाउ नेक्स्ट इज थ्री वन जा थ्री, only two factors will be there. So 2 and 3 are prime number. Now see the next one. Next is 4. So 4 ke kitne factor hote hain? 4 1 4, yeah, that is a factor. But 4 ka ek aur factor hota hai, which is 2 into 2 into 1. So aisa to nahi hai 4 sirf khud ka factor hai, matlab khud ko divide kar sakta hai. No, 2 bhi 4 ko divide kar sakta hai. That's why this is 4 is not a what prime number. 4 is a composite number. Okay, and same 5, 7, 9. So there were lots of numbers, we can say those are a prime number. Okay, but basically now we are defining factorization or factors. Like we see 24 ka factor kya hota hai? 6 4 jo 24 hota hai, aur 8 3 jo भी 24 होता है. ठीक है, ये दो फैक्टर बन सकते हैं. सो इन दो फैक्टर को हम देख सकते हैं. नाउ अब हमें क्या करना है. नाउ सी, हमने क्या किया, हमने जैसे देखा कि 24 के दो फैक्टर हैं, एक है 6 एक है 4. ठीक है, 6 और 4 है, और 6 के क्या फैक्टर है, 3 इंटू टू और 2 इंटू टू. 6 और 4 तो कंपोजिट नंबर थे, पर हमें फैक्टर कैसे चाहिए. बेसिकली वी वांट अ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर. तो 6 के फैक्टर के 3 इंटू टू, बोथ आर प्राइम नंबर्स. फिर 4 के फैक्टर के 2 इंटू टू, बोथ आर प्राइम नंबर्स. सिमिलरली हेयर एक और फैक्टर था 24 का, विच इज़ 8 इंटू थ्री. 8 के फैक्टर क्या हो गए, 4 इंटू टू, और ये 3 एज इट इज़ रहेगा, इज गोइंग एज इट इज. नाउ 4 के फैक्टर हुए 2 इंटू टू. सो now as we can see here that when we what do the factor of 24, 6 into 4 this, 3 into 2 into 2 into 2, and 8 into 3 also this 2 into 2, yani ki 3 times to 2 hai, yani ki 2 ki power 3 into 3. When we write down into exponent and power, you already learned about exponent and power in class 7th also. सो यहाँ 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है. तो ये 2 की पावर क्या हो गई, 3, और 3 1 टाइम है, तो इंटू 3. दैट इज़ अ फैक्टराइजेशन ऑफ 24. जब हमने दो अलग अलग फैक्टर लिए, एक 6 4 जो 24 लिया, एक 8 3 जो 24, बट जब हमने उसे प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया तो गेट द सेम फैक्टर्स. ओके, दिस इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन वेयर द नंबर कम इन अ प्राइम फॉर्म. Okay, get it? Because it's important to find out the square root, that's why I'm explaining it. So you all have to learn it carefully about a prime factorization. Take some numbers and try to find out prime factorization for it at home. Now actually students, it's a very easy chapter, but it's a scoring also. You can score a lots of marks in it. Now I will discuss square. The square of a number is the product of the number with the number itself. With the product of the number, यानी कि अगर हमने माना कोई नंबर है n, तो उस नंबर का अपने ही साथ प्रोडक्ट करने पर जो नंबर आएगा, देखो 2 टाइम्स n है तो n की पावर क्या होगी, 2. ऐसा सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में होता है, याद रखना. मल्टीप्लीकेशन में सेम वेरिएबल की पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड.
क्योंकि इसकी पावर भी वन थी, इसकी पावर भी वन थी, तो इन दोनों की पावर क्या होगी, ऐड होगी, सो एन की पावर टू। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर में मल्टीप्लिकेशन में सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट। हेयर वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, सो एन की पावर टू। तो इस डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दो सेम नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आता है, उसका स्क्वायर। हेयर आई गिव सम एग्जांपल्स फॉर इट, यू ऑल कैन सी। वन का स्क्वायर क्या होता है, वन। टू का फोर, देखो वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, क्योंकि टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू थ्री नाइन, ऐसे ही फोर का स्क्वायर यानी कि फोर इंटू फोर यानी कि सिक्सटीन, फाइव का ट्वेंटी फाइव, थर्टी सिक्स, सिक्स का सेवन का फोर्टी नाइन, एट का सिक्सटी फोर, नाइन का एटी वन एंड टेन का हंड्रेड। ठीक है, इतना आई थिंक आई बिलीव कि ये आपको रिमेंबर होने चाहिए, दैट इज़ बियॉन्ड योर टिप्स। अगर और कर लें तो इट्स गुड, बाकी आपकी एन सी आर टी में काफ़ी दिए हुए हैं, यू ऑल कैन लर्न इट एज वेल। नाउ आई विल डिस्कस विद अ प्राइम, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इज क्लियर टू यू ऑल, नाउ सी परफेक्ट स्क्वायर। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर आप सबको पता है, दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन, दोज स्टार्ट फ्रॉम वन टू थ्री अप टू इन्फेनाइट। ठीक है, जीरो इज नॉट इंक्लूडिंग इन इट, एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूड, सॉरी इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूड नहीं करते नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। और नेचुरल नंबर सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वन से लेकिन इन्फिनिटी तक के जो नंबर होते हैं दोज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स ओनली। ठीक है, यहाँ जो हम स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे वो नेचुरल नंबर्स का ही करेंगे, यहाँ हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। तो अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। जैसे नाइन है, तो नाइन किसका, नाइन क्या है, थ्री का स्क्वायर है क्योंकि थ्री इंटू थ्री, और सिक्स, सिक्सटीन किसका स्क्वायर है, सिक्सटीन स्क्वायर है फोर का, ऐसे ही ट्वेंटी फाइव, फाइव का, तो दीज आर कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं हमने, क्योंकि जो ट्वेंटी फाइव है वो फाइव का स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी कि फाइव इंटू फाइव एक परफेक्ट स्क्वायर है। थ्री इंटू थ्री नाइन, परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि थ्री का स्क्वायर आ रहा है। अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि कोई नंबर है लाइक सिक्स, ठीक है, सिक्स के फैक्टर क्या है, थ्री इंटू टू, सो सिक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, लाइक दैट। नाउ अ परफेक्ट स्क्वायर